मैनेजमेंट्स आज के सेशन में करेंगे डिस्क मैनेजमेंट। तो चलते हैं अपने सर्वर पे। तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। देखो डिस्क मैनेजमेंट यूज़ करने के लिए आपको एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव यूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे सिस्टम में कितनी हार्ड ड्राइव है पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। तो ये है डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है, ये देखो 60 GB की। और ये बेसिक लिखा आ रहा है। हार्ड डिस्क को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बेसिक और डायनेमिक डिस्क। बेसिक डिस्क में दो ही तरह के पार्टीशन बनते हैं, प्राइमरी पार्टीशन और सेकेंडरी पार्टीशन। सेकेंडरी पार्टीशन को फर्दर डिवाइड करके लॉजिकल ड्राइव बना सकते हो। प्राइमरी पार्टीशन आप चार ही बना सकते हो मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो मैं फिजिकल ड्राइव ऐड करने जा रहा हूँ। तो सेटिंग्स में जाएंगे मशीन की और यहाँ पर ऐड ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो। स्कजी ड्राइव लेंगे, यहाँ पे सर्वर पे जो यूज़ होती है स्कजी यूज़ होती है। क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क और यहाँ कैपेसिटी पूछ रहा है, तो 60 GB। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल यूज़ करेंगे और फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे एक और हार्ड ड्राइव नज़र आएगी आपको। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे तीन हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ। एक और ले लेते हैं। तो जैसे आप हार्ड ड्राइव लोगे यहाँ पे आपको ये हार्ड ड्राइव नजर आएंगे, लेकिन ये ऑफलाइन है तो इन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ऑनलाइन। सबसे पहले इसको ऑनलाइन कर लीजिए। तीनों हार्ड डिस्क को आप ऑनलाइन कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे आप इसको इनिशियलाइज करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस पार्टीशन स्टाइल को यूज़ करना चाहते हो। तो दो तरह के पार्टीशन स्टाइल चलते हैं, MBR और GPT। MBR जो होता है ये मास्टर बूट रिकॉर्ड इसको कहते हैं, ये ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं जैसे विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 2012 है, 2016 है, इन सब में जो है GPT स्टाइल काम करता है, ठीक है। और पुराने वाले जो पार्टीशन सिस्टम है वो MBR में यूज़ होते हैं। GPT पार्टीशन जो होता है ये तब यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज हार्ड ड्राइव है, यानी कि 2 TB या उससे ऊपर की हार्ड ड्राइव है, तब आप इसको यूज़ करके एफिशिएंट वे में पार्टीशन कर सकते हो। अगर आपकी हार्ड डिस्क 2 TB से कम है तो आप रिकमेंडेड है कि आप MBR सेलेक्ट करें। तो मेरे पास यहाँ पे 60 GB की हार्ड ड्राइव है तो मैं MBR इसको सेलेक्ट करूँगा। ये देखो ऑनलाइन आ गई हार्ड डिस्क मेरे पास। अब ये हार्ड डिस्क अनएलोकेटेड है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पार्टीशंस नहीं बना। तो पार्टीशन बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और देखो यहाँ आ रहा है न्यू सिंपल वॉल्यूम। तो इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और पार्टीशंस बनाओगे तो आपसे पूछेगा वॉल्यूम साइज यहाँ पे। तो वॉल्यूम साइज़ में आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी आप चार बना सकते हो, तो इसमें क्या होगा कि एक तीन तो प्राइमरी बनाऊंगा और एक एक्सटेंडेड बना के दिखाऊंगा। तो इसके लिए देखो 1024, देखो चलो मैं ले रहा हूँ 4096, यानी कि 4 GB ले रहा हूँ। पार्टीशन का देखो यहाँ पे ए से जेड तक के हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो ये ई ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। NTFS फॉर्मेटेड इसे करना है, क्विक फॉर्मेट करेंगे। तो पहला पार्टीशन बन गया प्राइमरी, ये देखो प्राइमरी पार्टीशन बना है, 4 GB का बना है। अब हम फर्दर पार्टीशन बनाएंगे, फिर से ले रहे हैं 4096।
तो ये सेकंड पार्टीशन बन के तैयार है। फिर से लेंगे 4096, देखो तीन बन चुके हैं, हम चौथा बनाने की कोशिश करेंगे। न्यू 4096, तो जैसे आप चौथा बनाने की कोशिश करोगे, ये क्या करेगा, चौथा जो पार्टीशन बनाएगा इन पूरे स्पेस को ये लॉजिकल ड्राइव के अंदर ले लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लॉजिकल ड्राइव के अंदर ले लिया इसने 4 GB को, और ये लॉजिकल ड्राइव किसके अंदर बनी हुई है, एक्सटेंडेड वॉल्यूम के अंदर, एक्सटेंडेड पार्टीशन। आप देख रहे हो ऑटोमेटिक एक्सटेंडेड बन गया है ये, इतना जो पार्टीशन ये दिखा रहा है ना यहाँ पे मार्क करके, ये पूरा पूरा एक्सटेंडेड है, और एक्सटेंडेड के अंदर पहली लॉजिकल ड्राइव बन के तैयार है। अब बाकी जितना स्पेस है ये पूरा लॉजिकल ड्राइव में ही कंज्यूम कर सकते हैं। एक्सटेंडेड यानी कि सेकेंडरी वॉल्यूम, प्राइमरी आपने बना लिया और सेकेंड जो बनाया ये सेकेंडरी या एक्सटेंडेड बनाया आप, सेकेंडरी पार्टीशन को एक्सटेंडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। अब इससे ज़्यादा हम बना सकते हैं तीन से क्या, तीन से मैं बता रहा हूँ ना, तीन से ज़्यादा बनाने की कोशिश की आपने तो क्या बना पाए, एक्सटेंडेड में चला गया ना। अगर हमारे पास स्पेस बचा है तो एक्सटेंडेड में चला गया, अगर स्पेस नहीं है तो चौथी लॉजिकल ड्राइव बन जाएगी आपकी। यहाँ पे ये देखो क्या है ना, हमारे पास एक बन गया यहाँ पे, अब फर्दर इसको पार्टीशन करना पड़ेगा, अब लॉजिकली बनेगी इसके अंदर, पूरा पूरा एक ही बना देता हूँ, पूरा पूरा एक ही बना देता हूँ लॉजिकली। ये देखो लॉजिकल ड्राइव एच आई, ये देखो ई एफ जी एच आई, बिल्कुल समझ आया ना। अब यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, सॉरी डिलीट वॉल्यूम, अब समझ आया, ये जो बचा हुआ है ना ये एक्सटेंडेड है, ये सेकेंडरी में सेकेंडरी है, ये तीन प्राइमरी बनेंगे और ये एक बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम चार प्राइमरी हो सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी आप देख रहे हो ये प्राइमरी पार्टीशन बना हुआ है, तो एक ये प्राइमरी हो गए, बाकी ये तीन हो गए, तो चार प्राइमरी हो गए और बाकी का ये आप एक्सटेंडेड बना लो। लॉजिकल भी इसी पर बोलते हैं सर, इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो लॉजिकल बनेंगे उसके अंदर, देख रहे हो ना, ये पूरा पूरे क्या है एक्सटेंडेड, वही सी तो आपने बना लिया प्राइमरी, बाकी का पूरा एक पार्टीशन जो बना हुआ है ना ये क्या है एक्सटेंडेड, इसके अंदर हमने फर्दर डिवाइड किया है, ये लॉजिकल ड्राइव है, समझ आ गया सर। ये तीनों प्राइमरी अलग अलग तो बना सकते कि सेम 4 GB है तो वो भी 4 GB रहना सर, ऐसा नहीं, नहीं वो तो डिफरेंट कैपेसिटी है। आप ऐसा कर सकते हो, ये 4 बना लो, ये 8 बना लो, ये 16 बना लो, जितना आपको ठीक लग रहा है आप उसको यूज़ करो, ठीक है। अब ये पूरे पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो कर दिया ना मैंने डिलीट, सर ऐसा भी होता है कि जो लॉजिकल होती है उसमें डेटा की सिक्योर वो नहीं होती, सिक्योर वो सेव नहीं हो रहता, वो डिलीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता सर? देखो डेटा तो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप करोगे नहीं डेटा डिलीट, या हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी तब डेटा डिलीट होगा आपका, हार्ड डिस्क है अच्छी खासी चल रही थी, आपने निकाला उसे और ऊपर से पटक दिया नीचे, ठीक है, तो डेटा जो होगा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एमरजेंसी में आपने कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम आ गई तो डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। 100 तरीके डेटा डिलीट करने के, तो रिकवर करने का बोलो, रिकवर करने का तो काम तो 1 मिनट में बिगड़ जाता है लेकिन उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, तो रिकवर कभी होता है और कभी नहीं होता। देखो एक्चुअल में चिप के अंदर क्या है, मेमोरी है, मेमोरी के अंदर डेटा सेव है, ठीक है, अब डेटा सेव है तो आप निकाल भी सकते हो उसको, नहीं समझे, एक मशीन आती है डिगोस्ट, तो डिगोस्ट कर देता फिर नहीं निकाल सकता, वो पूरी तरह बिल्कुल खत्म कर देता, डिगोस्टर पूरी तरह डेटा डिस्ट्रॉय कर देता, कोई कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन कोई कुछ यूज नहीं, काम नहीं करेगा उसको, रन कर देता कुछ भी।
अब इसको बनाएंगे डायनेमिक। अभी आपने देखा बेसिक का फंक्शन, अब डायनेमिक का देखेंगे। राइट क्लिक करेंगे, डायनेमिक में कन्वर्ट करेंगे। देखो ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू डायनेमिक। तीनों आर्टिस्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखो ये डायनेमिक बन गए तीनों आर्टिस्ट। अब डायनेमिक में हम वॉल्यूम्स बना सकते हैं। कौन कौन से वॉल्यूम बनेंगे देखो, सिंपल वॉल्यूम, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्राइप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, रेड पाई, ठीक है ना। ये पांच तरह के वॉल्यूम बनेंगे। यहाँ पे पार्टीशंस को वॉल्यूम कहा गया है। पार्टीशंस को क्या कहा गया है? वॉल्यूम। तो सबसे पहले बनाएंगे सिंपल वॉल्यूम। कैपेसिटी डाल देंगे, क्विक फॉर्मेट करेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे अगर बेसिक डिस्क होती तो किस तरह का प्राइमरी पार्टीशन बनता, लेकिन मैंने डायनेमिक कर दिया तो ये पार्टीशन कौन सा बन गया? सिंपल वॉल्यूम। पहले भी हमने सिंपल ही चूज़ किया था, लेकिन कौन सा बना था? प्राइमरी बना था, वो बेसिक डिस्क का फंक्शन है। लेकिन जब डिस्क को डायनेमिक कर देते हैं तो ये अपने जो है इतने वॉल्यूम्स हैं उनके हिसाब से काम करती है। तो ये पहला वॉल्यूम बना है सिंपल। डायनेमिक करने का फ़ायदा क्या होगा सर? अरे वही तो बताने जा रहा हूँ। अब देखो इसमें जो सिंपल वॉल्यूम बनाया है आपका, अगर सिंपल वॉल्यूम का आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। सिंपल वॉल्यूम का क्या फंक्शन है? यू वांट टू एक्सटेंड इट इन सिंगल ड्राइव और मल्टीपल ड्राइव। अगर सिंगल ड्राइव में ही एक्सटेंड किया आपने तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको मल्टीपल ड्राइव में एक्सटेंड करोगे ये स्पैन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो अभी आपको इसका साइज़ बढ़ा के दिखाने, अभी साइज़ है 4GB। हमने इसे क्या किया? एक्सटेंड किया। देखो ऑप्शन आ रहा है, डिस्क को चूज़ किया, इस डिस्क में से 4096 और उठा लिया मैंने। तो आप देख रहे हो पहले 4GB की थी, अब 8GB बन गई। फ़ायदा है नहीं है? फ़ायदा है ना? ज़रूरत पड़ी तो डायनेमिक का मतलब यही है कि अगर जरूरत पड़े उसमें ऐड करो। हाँ उसमें कई तरीके से फंक्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना। बढ़ा दिया 8, अब और ज़रूरत पड़ गई मुझे, फिर से हमने क्या किया इसे एक्सटेंड किया। तो अब मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दूँ? 8192। ये देखो 8GB और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 16। ऐसे ही करते करते पूरा भर देता हूँ मैं, 44GB बचा है, इसको पूरे को यूज़ कर देता हूँ। जितना बचा है वो पूरा यूज़ कर लेते हैं। अब देखो पूरा वॉल्यूम बन गया एक। अब आपको थोड़ी देर बाद समझ आया, अरे यार ये तो पूरी भर दी मैंने, वॉल्यूम पूरा भर दिया। अब मुझे क्या है, एक दूसरा पार्टीशन बनाना था इसके अंदर, ठीक है। तो इसको श्रिंक करना चाहते हो आप, श्रिंक समझ रहे हो, छोटा करना, श्रिंक वॉल्यूम करेंगे। देख रहे हो आपने इतना श्रिंक कर दिया, 1GB छोड़ दिया बस, बाकी का पूरा निकाल दिया आपने। जो उसका काम का था वो निकल गया ऑटोमेटिकली उसने, क्योंकि जितना स्पेस इसमें होता है ना, मान के चलते इसमें 10GB डेटा, तो 10GB को छोड़ देगा एक साइड, बाकी का एक साइड कर देगा, ठीक है। हाँ अब फिर से इसे एक्सटेंड करना है, फिर से आप कर लो, ये तो आपके हाथ में है। फिर से एक्सटेंड करना चाहते हो, ये देखो आपने इतना कर दिया, समझ आ रही बात। फिर से आपको श्रिंक करना है, ये देखो बता रहे कि 40GB फ्री हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन हम यहाँ पे इसको 20GB फ्री करना चाहते हैं। ये देखो बात समझ आई। तो अलग अलग मेथड से हमने इसे श्रिंक किया। रियल एनवायरनमेंट में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? फाइल सर्वर में।
देखो सर्वर पे जहाँ हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो एज ए स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हो आप उसे, मल्टीपल हार्ड ड्राइव है तो उसको एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हो। हमारी लैपटॉप को डायनेमिक नहीं बना सकते ना? हाँ उसमें डाल दो हार्ड डिस्क, डाल दो 2-3 डायनेमिक बना दो। कोई सर्वर है, सी ड्राइव में सर्वर मान लीजिए इंस्टॉल है, अगर स्पेस भर गया सर्वर सी ड्राइव का तो कैसे बढ़ाएंगे? सी ड्राइव का स्पेस भर गया एक दूसरी हार्ड डिस्क लगा दो। सी ड्राइव का मतलब नहीं सी तो पूरा भर गया, आप दूसरी हार्ड डिस्क लगा दो उसमें। अच्छा, उसे डायनामिक बना दो वो पूरा उसके अंदर आ जाएगा दूसरा वाला, जितना सी का ड्राइव है उसे एक्सटेंड कर लो सी ड्राइव को वो डी में और आ जाएगा। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास ये पूरी भर जाती है, ठीक है, तो ये भरती भरती आगे भर गई, जैसे मैंने कहा इसको एक्सटेंड किया ऐसे मैंने और पूरी भर गई है। अब यही क्वेश्चन था ना आपका, अब आपने एक नई हार्ड डिस्क ले आई है, देखो उसे डायनेमिक बना लो और इसको एक्सटेंड करो फिर से, दूसरी हार्ड डिस्क को चूज़ करो यहाँ पे ले आओ, इनमें से 40 GB आप लेना चाहते हो, देख रहे हो आप 60 ये पूरी आ गई और 40 ये आ गई, ये दोनों ई वॉल्यूम है, देख रहे हो आप ऊपर देखो ये दोनों जुड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तो रेड टाइप में का एग्जांपल होगा सर, क्योंकि दोनों सेम हो गया ना, ये पूरा एक ही वॉल्यूम है ई, इसमें डेटा आप ये रख लीजिए जो रखना चाहते हो। देखो क्या होता है कि जब आप एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में एक्सटेंड करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्पैन में, मैंने पहले बताया था आपको, ये देखो ये क्या बना स्पैन। अब ये सिंपल नहीं रहा, सिंपल वॉल्यूम तब तक था जब तक आपने सेम हार्ड डिस्क तक लिया था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया इसे फर्दर मल्टीपल हार्ड ड्राइव में एक्सटेंड किया तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा स्पैन। स्पैन वॉल्यूम की क्वालिटी ये होती है कि वो एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क को यूज़ करता है। अब आप इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हो तीसरी तीसरी हार्ड ड्राइव में तो कर सकते हो, देखो कैसे करोगे एक्सटेंड वॉल्यूम। अब ये वाली हार्ड डिस्क में से 10 GB लेना है और दूसरी वाली हार्ड डिस्क में से लेना है 15 GB, देख रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो, डिफरेंट कैपेसिटी भी आप यूज कर रहे हैं हम 2-3 हार्ड डिस्क को, ये देखो ई ई ई तीनों ये एक साथ, हाँ समझ आया। तो इसको कहते हैं स्पैन वॉल्यूम का फंक्शन, स्पैन मतलब मल्टीपल हार्ड ड्राइव में जो पार्टीशन एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। पर आपने क्या सोचा कि भाई इस हार्ड डिस्क में से डेटा उड़ाना है, इसे फॉर्मेट करना है ई को, आप इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना चाहते हो तो ये भी फॉर्मेट हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, जानना सारी हो जाएगी क्योंकि ये वॉल्यूम एक ही है। आपने अगर सोचा कि भाई यार इसको मैं ना फॉर्मेट कर देता हूँ यार बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, देख तीनों लग गए ना फॉर्मेट, तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ध्यान रख के। अगर आपने भैया इसमें डेटा रखा है सोचा कि यार ये तीसरी वाली हार्ड डिस्क है कुछ जम नहीं रही है यार इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, राइट क्लिक किया फॉर्मेट ऑप्शन में गए तीनों फॉर्मेट हो जाएंगे। इसको श्रिंक करना पड़ेगा सर, हैं अगर इसको हटाना है इसका, हाँ श्रिंक करना पड़ेगा डेटा को सेव करके फिर, ये तीनों ही आपकी जो हो जाएंगी फॉर्मेट, अगर एक को डिलीट करना चाहोगे ना देखो सभी डिलीट हो गई है, बहुत बढ़िया काम करेगा ये, हो गया ना डिलीट, ध्यान रखना इसमें कन्फ्यूजन बड़ा हो जाता है। तुम सोचो यार इस हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं है और इसको क्या कर देता हूँ निकाल देता हूँ, अगर इस हार्ड डिस्क को भी निकाल दिया आपने एक को तो बाकी दोनों करप्ट हो जाएगी। अरे सर और मान लो अगर ये खराब हो गई सर फिर क्या, एक हार्ड डिस्क खराब होगी तो बाकी भी खराब होगी, डेटा नहीं निकलेगा उसमें से करप्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है ना, इसमें क्वालिटी है, एडवांटेज तो आपने देखा कि भाई एक्सटेंड हो रहा है श्रिंक हो रहा है अच्छा लग रहा है, डिसएडवांटेज नहीं देखा इसका, डिसएडवांटेज तो बहुत होगा सर, इसलिए तो बहुत रिस्क पे चल रहा है सर, रिस्क पे तो मशीन है कभी भी खराब हो सकता है, जब डेटा आपका भर गया तो सी ड्राइव का वो फिर भी थोड़ा उससे कम रिस्क पे है। अब बैकअप समझ में आई बात, तो अब देखो ये भी बेकार था ये भी बेकार है। अब हम बात करते हैं स्ट्राइप की, स्ट्राइप जो होता है ये देखो इसमें ये कहता है
कि एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव को आप यूज़ कर सकते हो पर सेम कैपेसिटी अमाउंट में। अगर एक पार्टीशन आप बनाओगे तो सभी में से उतना उतना पार्टीशन अपने आप ही बन जाएगा, मतलब सेम कैपेसिटी ये मांगता है। आपने कहा भैया 40 GB, 40 40 सबका उठा ले, स्ट्राइप जो होता है ना वो सेम अमाउंट का डेटा होता है, सेम कैपेसिटी। अब तीनों में से 40 40 काट लेगा ये देख, देख रहे हो? हाँ, और ये तीनों जो है एक ही पार्टीशंस बनेगा, इसे कहते हैं स्ट्राइप, ठीक है ना। स्ट्राइप जो होता है वो सेम अमाउंट का डेटा होता है, यानी कि एक हार्ड डिस्क में से आपने 10 GB लिया तो फिर ऐसे नहीं कि दूसरी हार्ड डिस्क में से आप 5 GB ले लो और तीसरी में से कुछ और ले लो 20 GB ले लो, ऐसा नहीं। कैपेसिटी सेम होगी आपकी। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट यह है कि जो डेटा होता है वो अलग अलग हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा डिवाइड होकर। आपने कहा कि भाई मेरे पास 10 GB डेटा है तो 3 GB पहले ड्राइव में जाएगा, 3 GB दूसरे में जाएगा, तीसरे में भी 3 GB जाएगा, ऐसे 3.33 जाएगा ऐसा, मतलब सेम अमाउंट ऑफ डेटा तीन हिस्सों में डिवाइड होकर चला जाएगा। मतलब एक डेटा के तीन पार्ट हो जाएंगे और तीनों में चला जाएगा, एक ही कॉपी का तीन पार्ट चला जाएगा। मतलब एक पूरा डेटा है उसके तीन पार्टीशन बनेंगे और तीनों में फेंक दिए जाएंगे, मतलब सेम। नहीं समझे? और सर मैं समझ गया सर, और फॉर सपोज सर एक ड्राइव उसमें इस केस में क्या होगा सर? अगर इस केस में भी रिकवरी नहीं है भैया, अगर एक हार्ड डिस्क आपने निकाल दी तो बाकी की दो बेकार हो गई, करप्ट हो जाएंगे। एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो बाकी की भी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है। इसका तो यूज भी कोई नहीं करते सर। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें स्पीड आपको मिलती है, डेटा को रीड राइट करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है इसमें, परफॉर्मेंस आपको मिलती है इसमें, आपका जो सर्वर है वो फास्ट चलता है इसमें, ठीक है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक हार्ड डिस्क भी ख़राब हो गई तो पूरा पूरा डेटा डिस्ट्रॉय। तो बेनिफिट है या बताओ जहाँ पे आपको स्पीड चाहिए था, जैसे गेम में खेलना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें डेटा जो होता है वो डिवाइड होकर जाता है तीनों में, एक को डिलीट करोगे बाकी भी डिलीट हो जाएगी। अब देखो, अब ये मिरर और रेड, ये दोनों जो वॉल्यूम हैं आपके, इन दोनों में बेनिफिट है आपको। मिरर देखो, मिरर वॉल्यूम जब आप बनाते हो तो इसमें दो हार्ड ड्राइव आप यूज़ कर सकते हो। देखो तीसरी के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ऐड करने का, मिरर सिर्फ दो के बीच में बनता है। जैसे शीशा होता है ना, शीशा क्या करता है, आपका ही मिरर दिखा देता है, इमेज दिखा देता है। तो वही चीज़ है कि एक हार्ड डिस्क की इमेज दूसरे में स्टोर हो जाएगी। तो दोनों में से आप क्या कर रहे होगे, अगर आप पार्टीशन बनाओगे तो सेम अमाउंट को ही लेगा। आपने यहाँ पे लिया 4096, देखो 4096 यहाँ से भी ले लेगा, यहाँ से भी ले लेगा, सेम अमाउंट ये लेता है ये भी। पर इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक हार्ड ड्राइव में जो भी सेव मिले दूसरे में भी सेव होता है, अपने आप डुप्लीकेसी कर देता है। जो डेटा पहले में रखोगे वही डेटा दूसरे में भी आएगा। कितने टाइम ले लेता सर ये करने में? क्या ये काम करने में कितना टाइम? जितना बड़ा डेटा होगा, अगर 100 GB आपने डाल दिया तो 100 GB इसमें बनने में टाइम लगेगा ना। तो इस तरह से जो आपकी हार्ड ड्राइव होगी उसकी इमेज तैयार हो जाएगी, पर ये परफॉर्मेंस वाइज जो होता है स्लो होता है, इस टाइप से स्लो होता है। स्ट्राइप में तो फास्ट डेटा हो रहा है, पर इसमें क्या है कि भाई अगर इमरजेंसी पड़ गई, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो आप दूसरी हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर कर सकते हैं। इसमें
इसमें हम टाइमिंग भी डाल सकते हैं सर, रात को डेटा मिरर होए, रिफ्लेक्ट ये तो अपने आप ही होता रहेगा। एक टाइम में एक ही ड्राइव यूज़ कर सकते हो आप, ऐसे नहीं कि दूसरी ड्राइव भी यूज़ करोगे। एक ड्राइव करंटली यूज होगी, दूसरी वाली बैकग्राउंड में डेटा को सेव करेगी, वो तभी काम करेगी जब पहली वाली फेल हो जाएगी। ठीक है सर, कोई भी ड्राइव में डाल रहा हूँ, ये ई वॉल्यूम बना है, इसमें मैं डेटा रख रहा हूँ। देखो कोई भी आप यहाँ पे डेटा रख सकते हो, ये मैंने डेटा रख दिया यहाँ पर। ठीक है, और अब इनमें से क्या होता है, देखो यहाँ पे आ रहा है ब्रेक मिरर वॉल्यूम, इसको ब्रेक कर देता हूँ, मतलब मिरर को ब्रेक कर देना। यस, मिरर को ब्रेक करते ही ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो सिंपल, देखो ये ई बन गई, ये एफ बन गई, अलग इंडिपेंडेंट बन गई। ये मैंने इसलिए किया है, हम देखना चाहते हैं कि दोनों में क्या डेटा आया है। सबसे पहले हम ई में देखते हैं क्या डेटा है। देख रहे हो आप ई वॉल्यूम में क्या डेटा है? ठीक है, अब हम एफ ड्राइव में देखेंगे क्या डेटा है, एफ वॉल्यूम में क्या डेटा है। देख रहे हो आप, जो डेटा ई में था वही डेटा एफ में है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो रहा है, मिरर हो रहा है। जब आप मिरर कर दोगे सर, ये दोनों एक ही हो जाएगी क्या सर? देखो मिरर, जब तक ये मिरर थी तो जुड़ी हुई थी आपस में, अब मैंने इसको मिरर तोड़ दिया। तोड़ने का मेरा मकसद ये था दिखाना कि दोनों में क्या क्या है। मिरर को ब्रेक करके मैंने दिखाया कि दोनों में डेटा आ रहा है। अब आप इसका दूसरे के साथ मिरर बना दीजिए। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके साथ बना लीजिए ई के साथ। देखो ऑप्शन आएगा ऐड मिरर, ई के साथ बनाना है आपको थ्री वाले के साथ ऐड मिरर, इन दोनों का मिरर बन जाएगा। ये ये सिंक क्यों हो रही है ना, देखो डेटा कॉपी हो रहा है, हो गया। अब ये इन दोनों का मिरर, ये जुड़ गई आपस में। ठीक है, ये मिरर की क्वालिटी होती है। ये तब यूज़ में आता है कि जब आपको लगता है कि भाई मेरी हार्ड डिस्क जो है फेल हो सकती है, एक तो आपने दो लगा दिए एक की जगह, लेकिन आप आधी कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। भाई एक एक टीवी की आपने दो हार्ड डिस्क लगाई, लेकिन डेटा स्टोर तो वन टीवी में ही कर रहे हो ना आप। वन टीवी तो आपकी इमरजेंसी के लिए है, उसको आप उस समय यूज़ नहीं कर रहे हो, वो तो सिर्फ क्या कर रही है, डेटा को स्टोर कर रही है। इमरजेंसी में आपकी एक हार्ड डिस्क फेल हो गई तो आपने उसको हटा के रख फेंक दिया, दूसरी वाली चला दी, फिर उसका मिररिंग कर दिया। हाँ, फिर उसको फर्दर मिरर कर लो, एक और हार्ड डिस्क ला के लगा दो, जो क्रैश हो गई थी उसको हटा दो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैन्युअली आप डिलीट करोगे तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। ये क्रैश नहीं हुआ है, ये डिलीट हुआ है। अगर जानबूझ के आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएंगी दोनों। हाँ, ये मत सोचने कि एक को डिलीट कर दूंगा मैं तो दूसरी बची रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई है। एक को डिलीट करोगे दूसरी भी डिलीट होगी। क्रैश की कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्रैश होंगी तो उसका मिरर टूटता नहीं है, मिरर टूटेगा नहीं, वो बूट कर जाएगी, हार्ड डिस्क काम करेगी एक आपकी। मिरर तो ब्रेक होने के बाद भी तो डेटा शो कर रहा है। हाँ, तो या तो आप ब्रेक करो उसे, लेकिन वो या अपने आप खराब हो जाए, वो खुद से खराब नहीं करनी आपको, मतलब खुद यहाँ ऑप्शन जाके डिलीट मार दिया, सोचा कि रिकवर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। खुद ब खुद अगर वो डिलीट हो जाती है या क्रैश हो जाती है तब अलग चीज है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कुछ तब कुछ नहीं। अब बात करेंगे रेड फाइव की, सबसे अच्छा है रेड फाइव। रेड फाइव के लिए तीन हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। देखो न्यू रेड फाइव वॉल्यूम, तीन हार्ड डिस्क मिनिमम चाहिए इसके लिए, तीन के बिना बनता ही नहीं है ये। रेड फाइव नहीं, हाँ रेड फाइव जो होता है स्ट्राइप विद पैरिटी कहते हैं, स्ट्राइप बनेगा साथ में पैरिटी बनेगी। ये तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 4096,
टोटल कैपेसिटी कितनी है? 12 GB, लेकिन 8 GB यूज कर सकते हो आप सर। अरे भाई जितना मैंने लिया है यहाँ से 4096 लिया है ना, ये देखो दिखाते हैं आप। इसमें क्या हो रहा है ना, 4 GB की ये कैपेसिटी उठा लेगा इसमें से। 60 GB में से मैंने जो रेड 5 बनाया है, ये पूरी हार्ड डिस्क का नहीं बनाया, पूरी हार्ड डिस्क का बनाऊंगे तो बहुत टाइम ले लेगा बनने में, इसलिए मैंने कम स्पेस लिया है। देख रहे हो 4 GB लिया है मैंने, तीनों में से 4 GB ले लेगा ये। टोटल कैपेसिटी कितनी यूज़ कर सकते हो आप इसकी बताओ? 4 GB की 3 हार्ड डिस्क है, 12 GB है, तो सिर्फ 8 GB ही स्टोर कर सकते हो डेटा को, बाकी की जो 4 GB बची है उसमें पैरिटी स्टोर होगी। उसमें क्या स्टोर होगी? पैरिटी। पैरिटी रिकवरी होती है, रिकवरी इंफॉर्मेशन। अब इसमें कैसे होती है कि पहली हार्ड डिस्क की जो रिकवरी होती है वो दूसरे में स्टोर होती है, दूसरे हार्ड डिस्क की रिकवरी तीसरे में स्टोर होगी और तीसरी की पहले में होगी, ठीक है ना? मतलब इस हार्ड डिस्क को अगर क्रैश हो गई है फर्स्ट हार्ड डिस्क, तो इसकी रिकवरी हमने कहाँ रखी? दूसरे में। क्यों रखी? क्योंकि अगर इसी हार्ड डिस्क की रिकवरी मैं इसी में रख दूंगा और क्रैश हो जाएगी तो रिकवरी तो भी डिलीट हो जाएगी। तो अगर रिकवरी भी डिलीट हो गई, डेटा भी डिलीट हो गया, तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, फिर रिकवरी नहीं है, फिर कुछ रिकवर नहीं कर सकते आप। तो इसलिए हमने क्या किया, पहली हार्ड डिस्क की रिकवरी दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की पहले में, ऐसे स्टोर करते हैं। तो उसकी तीसरे में थी रिकवरी, वहाँ से रिकवर हो जाएगी, एक साथ हो जाती तो पहली और तो नहीं होगा, दो एक साथ होगी तो एक ही बच गया, वो डबल पैरिटी स्टोर है। उसके लिए फिर आपको लगानी पड़ेंगी कम से कम 7 हार्ड ड्राइव, अगर दो 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 की स्टोर करानी है। एक में दो दो की चलेंगे। ठीक है, तो ये रेड 5 वॉल्यूम है। अब इसमें देखो डेटा रख देता हूँ मैं, समझ आया? ये डेटा रखा मैंने, अब देखो एक हार्ड डिस्क क्रैश कर देते हैं। क्रैश कैसे कराऊंगा? अब ये तीनों में हो गया ना सर, कॉपी हुआ डेटा, टूट के गया तीनों में, तीनों में टूट के गया है, स्ट्राइप है ये, स्ट्राइप में क्या है, डेटा टूट जाएगा तीनों में बराबर। अगर एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है स्ट्राइप में तो रिकवरी नहीं है ना, लेकिन इसमें रिकवरी है क्योंकि पैरिटी भी है इसके अंदर। आप देखो एक हार्ड डिस्क को फेल कर देता हूँ, ये तीसरी हार्ड डिस्क थी, रिमूव कर दी मैंने, या क्रैश हो गई, ये देखो क्रैश की स्थिति देखो। अब देखो क्या लिखा रहा है, मिसिंग, फेल्ड रिडंडेंसी, तीनों फेल हो गई, क्योंकि आपकी एक हार्ड डिस्क फेल हो गई तो तीनों फेल, लेकिन आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा? आप मार्केट गए, नई हार्ड डिस्क लेके आए और ऐड करा दी, हमने नई हार्ड डिस्क लगाई इसमें, ये देखो नई हार्ड डिस्क लगा दी, कैपेसिटी सेम होनी चाहिए आपकी, उसी कैपेसिटी की। हाँ हार्ड डिस्क लगा दी, ये आ गई आपकी नई हार्ड डिस्क मार्केट से लेके आए आप, इसको डायनेमिक बना दो। अब आप देख सकते हो ये जो ये वाली हार्ड डिस्क है,
इसको आप रीएक्टिवेट करो, ये देखो मिसिंग दिखा रहा है, यहाँ रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे रिपेयर करोगे हार्ड डिस्क, थर्ड हार्ड डिस्क को ये अपने आप पहचान लेगा कि भाई नई हार्ड डिस्क आ चुकी है, ये नई हार्ड डिस्क के साथ सिंकिंग बना लेगा। देखो रीसिंकिंग देख रहे हो आप सर, इतने दो डेटा फॉर सपोज ये खराब हो गई थी सर, तो ये दो में से वो डेटा हम फैच नहीं कर पाएंगे जब तक तीसरी नहीं लगेगी। यार तीसरी तो जरूरी है, तीन के बीच में तो बनाया था हमने, तीसरी तो लगानी पड़ेगी ना आपको, लगानी तो पड़ेगी सर। लेकिन मैं ये दो के बीच में तो रेड फाइव नहीं बनेगा ना, हमारा 20 GB डेटा इनमें रह चुका है, और हमारे लार्ज अमाउंट है हार्ड डिस्क की, उन्हें 20 GB में मेरा एक हार्ड डिस्क खराब हो गई सर ये, और जो बाकी जो 5 GB का डेटा मेरा सेव है सर, वो इन दोनों से उस टाइम जब तक ये खराब है, जब तक इन दोनों में से मैं डेटा तो यूज कर सकता हूँ वो नहीं निकलेगा। क्या चीज़ मतलब उस समय? हाँ निकल जाएगा, डेटा तो काम आएगा ना। मतलब वैसे टेम्परेरी काम करेगी वो हार्ड डिस्क, टेम्परेरी काम करेगी हार्ड डिस्क आपकी, लेकिन आपको रेड बनाना तो पड़ेगा ना। फिर भी रेड फाइव कैसे बनेगा, तीन के बिना बनेगा नहीं, तो नई हार्ड डिस्क तो लगानी पड़ेगी आपको फर्दर। ये मिसिंग वाली आप यहाँ से हटा दो, ये बन गया आपका ई वॉल्यूम, आपका काम कर रहा है। ये देखो नहीं समझे, अब आप कह रहे हो ना कि देखो आप ये कह रहे हो ना कि ये हार्ड डिस्क फेल हो गई है, देखो दोबारा फेल कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना रहे तुम्हें, दूसरी हार्ड डिस्क कह रहे हो फेल होने के लिए, लो दूसरी फेल कर दो, फील्ड रिडंडेंसी ठीक है। अब डेटा फेच कर सकता हूँ, मैं मेरा डेटा यूज चाहिए मुझे, चल रहा है अभी टूटा नहीं है इसका रेड, समझ रहे हो? निकाल दो तो भी हाँ, अभी कुछ समय के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, पर लेकिन सिंकिंग नहीं चलेगी उनके बीच में, फर्दर आप इसके अंदर और डेटा डालोगे ना तो सिंक नहीं होगा, जब तक नहीं चलेगी जब तक हम नहीं। हाँ इसको आप जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उसको आप यूज कर सकते हो, नहीं समझे मेरी बात? लेकिन आप इसमें और डेटा डाल के कुछ और काम नहीं कर सकते जब तक आप नई हार्ड डिस्क लगा के इसे रिपेयर ना कर दो। अगर मैं डेटा डाल दूं सर और फिर नई फॉर अबाउट 3 दिन में दोबारा लगाई मैंने, इतने जो डेटा डाले हैं यार इमीडिएट करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी यार तुम्हें एक 3 दिन के बाद बैकअप के लिए रखनी पड़ेगी, 3 दिन इमरजेंसी आ जाएगी एक बैकअप, अगर फेल हो गई आपकी हार्ड डिस्क तुरंत अलार्म बज जाएगा ठीक है, और तुरंत ही क्या है तुम्हें बुला लिया जाएगा, वो भी है सो रहे हो रात को तो उठा दिया जाएगा कि भाई जाओ सर्वर को रिपेयर करके आओ ठीक है। तुम 3 दिन की बात कर रहे हो, 3 दिन में फायर हो जाओगे। इसमें हम सर एक हार्ड डिस्क अलग से रख सकते हैं या दो हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा? हाँ इमरजेंसी रखनी पड़ती है, इमरजेंसी रखते हैं वो इसीलिए ठीक है ना। इसके अलावा ये भी है अगर ये खराब है यार आपने बदली नहीं इसी पीरियड में, आप अगर बदलोगे नहीं डेटा क्योंकि लगातार 24 आवर चल रहा है, SQL सर्वर है, फर्दर चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा डेटा चल रहा है, एक दिन में तो यार 100 GB डेटा इकट्ठा हो जाएगा तुम तो पागल हो जाओगे, और उस समय क्या है कोई फर्दर सिंकिंग नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा डेटा का, तो फिर क्या होगा, 3 दिन में तो हालत ख़राब कर देगा हमारी। इमीडिएट एक्शन होता है इसमें, जितना भी वो दोबारा से फेल्ड हो रहा है ना इमीडिएट एक्शन होता है, ऐसे नहीं होता कि तुम चुपचाप बैठ जाइए ऐसे हाथ पकड़ के, 3 दिन में तो फायर कर देंगे तुम्हें उसी समय अगर आई नहीं किया रिपेयर, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी क्रिटिकल वाली सिचुएशन है, ये हार्ड डिस्क फेल होना क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल हो गया, हमें जाना पड़ेगा रात के 2 बजे, अगर सर्वर क्रैश है हार्ड डिस्क क्रैश है भैया जाना पड़ेगा, नींद तोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो अगले दिन जो है एक बहुत अच्छा लेटर मिलेगा हाथ में, शाबाशी मिलेगी ठीक है, समझ रहे हो? अभी एक्सेस हो रहा है आपका, अभी क्रिटिकल कंडीशन है, बीप मारेगा सर्वर बार बार बार, अलार्म मारता रहेगा, उतने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो फिर हाँ इमीडिएटली आपको हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। लाइट वगैरह का भी सिग्नल होता है ये सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए है कि हार्ड डिस्क क्रैश ना हो, आपका डेटा बच जाए, ये उसके लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई हार्ड डिस्क इसमें ना लगाओ,
अगर ऐसी सोच रहे हो ना आप, तो फिर भैया दो के बीच में ही रेड बना के सब लोग काम करेंगे, और फिर जो है रेड फाइव जो है वो फिर दो ही हार्ड डिस्क के बीच में काम करेगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये देखो इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे ये मिसिंग वाली जो हार्ड डिस्क है इसको रिपेयर कर दिया। ये देखो दूसरी हार्ड डिस्क पकड़ ली, रिसिंक हो जाएगा। ठीक है ना, रेड फाइव इसलिए बनाते हैं क्योंकि डेटा प्लस पैरिटी दोनों है ना इसके अंदर, रिकवरी हो रही है। देखो नॉर्मल अगर आप इस टाइप बनाते रिकवर नहीं होता, क्या करते फेल हो जाता, समझ आ गया ना, इसलिए रेड फाइव बना रहे। ठीक है ना, तो ये हमने देखा सिंपल वॉल्यूम स्पैन वॉल्यूम टाइप मिरर रेड फाइव। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ कि समझ नहीं आ रहा आपको, सबके फंक्शन पता लग गया आपको, सिंपल का स्पैन का स्ट्राइप का मिरर का रेड फाइव। ये मैं फिर से इसको हटा देता हूँ। तो इस सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।